हिलसा थाना इलाके में बदमाशों ने ओवरटेक कर जदयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया की गाड़ी रोककर उनके ऊपर हथियार तान दिया। हिलसा विधायक प्रेम मुखिया ने बताया कि आगामी 31 अक्टूबर को हिलसा विधानसभा के पटेल कॉलेज के प्रांगण में पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। उसी कार्यक्रम का निरीक्षण कर लौट रहे थे, तभी पटेल कॉलेज से थोड़ी दूर पर हथियार से लैस दो बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनकी गाड़ी पर पार्टी का झंडा और विधायक वाली नेम प्लेट भी लगी हुई थी। बावजूद इसके बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई और उनके साथ गाली गलौज की। इस दौरान गाड़ी के अंदर उनके बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। इस घटना में हिलसा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि विधायक से जानकारी मिलने के बाद हिलसा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से एक बदमाश को पकड़ा गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल पटेल कॉलेज में गए हुए थे, क्योंकि पटेल कॉलेज का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो मुख्यमंत्री का जो आगमन है 31 तारीख को, उसी के संदर्भ में कुछ देख रेख के लिए मैं गया था वहाँ पर करीब संध्या 4-5 बजे, और वहाँ करीब कुछ देर रह करके मैं लौट रहा था उधर से। तो जो पटेल कॉलेज का मोड़ है, जहाँ से पटेल कॉलेज जाती है और ये सामने मेन रोड चली जाती है पूरब तरफ, वहीं पर कुछ दो मोटरसाइकिल से इधर से पश्चिम तरफ से लोग गया और गाड़ी को रुकवा दिया बगल में कि रोको गाड़ी, गाड़ी रुक गया। और वहाँ पर जो है कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वहाँ पर पिस्टल दिखलाया। मेरा गार्ड जो था, जब गार्ड वहाँ पर से नीचे उतरने का कोशिश किया तो वो लोग जो है मोटरसाइकिल से भाग गया है। इसीलिए तैयारी के लिए हमेशा लोग जाते हैं, विधायक जी भी गए थे, इसी पर वहाँ माननीय विधायक जी पर हमला हुआ है। ये घोर निंदा करने की बात है, जो किसी के साथ भी अप्रिय घटना हो सकती है, ये बहुत निंदनीय काम है। और यहाँ के जो प्रशासन है, जो हमेशा इस पर तत्परता दिखाने का काम करना चाहिए, जो कुछ कमियां रहा है, इससे बहुत कठिनाइयां हिंसक वासियों को हो रही है। पुलिस शैली है, जो पुलिस की कार्यशैली है उसमें भी दिक्कत है, जिसमें लोग हमेशा शराब पीते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, पिस्टल भी ले रहते हैं हमेशा। ये हिंसा के घटना जो पटेल कॉलेज में, हमेशा उधर हमारे गांव है, हम हमेशा देखते हैं कि उधर हमेशा ये घटना होती है।